नमस्कार दोस्तों, मैं इस चैनल का होस्ट और आप सभी का दोस्त आज के स्टूडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हमें पता है, पिछले कुछ दिनों से हम CS के कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और कुछ वीडियोस हम इसके बारे में बना रहे हैं, और वो वीडियोस मैं आपको मेरे चैनल के थ्रू आपके द्वारा आपके पास भेज रहा हूँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CS कोर्स का फीस स्ट्रक्चर क्या है। जब भी हम किसी भी CS कोर्स के स्टेज के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो उसका फ़ी स्ट्रक्चर क्या होगा, इस बारे में आज हम वीडियो बनाने वाले हैं। इसके बारे में इसके पहले हमने कुछ बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं, जैसे कि CS कोर्स क्या है, CS कोर्स में एडमिशन रजिस्ट्रेशन कैसे करवाते हैं, CS कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, स्टेजेस कौन कौन सी हैं, सब्जेक्ट्स क्या हैं, ग्रुप कौन कौन से होते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट पे हम वीडियो बना चुके हैं और आप तक वो आ चुके हैं, आपने उसका बेनिफिट लिया है। आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं उसका टॉपिक है CS कोर्स फी स्ट्रक्चर। अगर हम CS कोर्स के किसी भी स्टेज के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो फ़ी स्ट्रक्चर क्या होगा। जैसे कि अगर मुझे CS फाउंडेशन में एडमिशन लेना है तो फ़ी स्ट्रक्चर क्या होगा, CS एग्जीक्यूटिव में एडमिशन लेना है तो फ़ी स्ट्रक्चर क्या होगा, CS प्रोफेशनल के लिए एडमिशन लेना है तो फ़ी स्ट्रक्चर क्या होगा, ये और बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मुझे लगता है ये आपको वीडियो पसंद आएगा, जैसे आप पिछले वीडियो को पसंद कर रहे हैं वैसे भी ये वीडियो को भी पसंद कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम आपका सभी का स्वागत करते हैं, और एक बार और सभी से दरख्वास्त करते हैं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरा ये ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एकेडमिक इंसाइट्स, अगर आपने ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही में यहाँ पे जो बेल आइकॉन दिख रहा है उसको भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको इस प्रकार की नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस अपने आप मिलते रहेंगे। तो ये है आज का वीडियो, और यहाँ पे आज हम बात करेंगे CS का फी स्ट्रक्चर। आप सभी दोस्तों को मेरी एक दरख्वास्त है कि ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा, ताकि आपके दिमाग में फीस के बारे में जो भी सवाल हैं उन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो दौरान मिलने वाला है। तो बात करेंगे हम फीस स्ट्रक्चर के बारे में, बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो जो फीस स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे है, और देखते हैं क्या है फीस स्ट्रक्चर CS कोर्स का। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि CS में तीन स्टेजेस हैं, और तीन स्टेजेस से हमें जाना पड़ता है। जो लोग 12th के बाद CS करते हैं उनको तीन स्टेजेस होते हैं, और जो लोग ग्रेजुएशन के बाद CS करते हैं उनको दो स्टेजेस होते हैं। तो अलग अलग स्टेज के हिसाब से अलग अलग फीस स्ट्रक्चर होता है जो हम फॉलो करते हैं। आज देखेंगे अगर हमें CS फाउंडेशन में एडमिशन लेना है तो क्या फीस स्ट्रक्चर होगा। CS फाउंडेशन के लिए 4,500 रुपये का फीस स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत सारे चेंजेस भी हुए होंगे। आपको अगर प्रॉपर फीस स्ट्रक्चर देखना है तो आपको विजिट करना पड़ेगा CS की वेबसाइट को। और एक बात जो आपको बताना है, फीस स्ट्रक्चर में चेंजेस होंगे हुए होंगे और आपको अपडेट करके करना है, मगर इससे आपको एक आइडिया आ सकता है। अगर CS फाउंडेशन के लिए हमें आपको अप्लाई करना है तो CS फाउंडेशन का कोर्स फ़ी है 4,500 रुपये, 4,500 रुपये, और ये जो फ़ी रहेगा वो पूरे CS फाउंडेशन कोर्स के लिए रहेगा, इसमें एग्ज़ाम फ़ी इंक्लूड नहीं होगा। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की, तो यहाँ पे है CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का फ़ी 9,000 रुपये जो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए है, 12,500 रुपये फॉर CPT पास्ट ICAI फाउंडेशन पास्ट ICAI CMA बच्चों के लिए 12,500 रुपये फ़ी है। उसके बाद 10,000 रुपये फॉर नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए है, और 8,500 फॉर CS फाउंडेशन पास्ट स्टूडेंट्स के लिए इतना सारा फ़ी है। ये फ़ी अलग अलग है, अलग अलग स्टेजेस के हिसाब से, अलग अलग कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से। कॉमर्स के लिए 9,000, CPT पास बच्चों के लिए 12,500, और जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हैं उनके लिए 10,000, और जो CS फाउंडेशन पास होके आते हैं, जो 12th के बाद CS फाउंडेशन करते हैं और वो एग्जीक्यूटिव में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए 8,500 रुपये फ़ी है। और लास्ट हम बात करेंगे जो लास्ट स्टेज है CS का, CS डिग्री का, वो है CS प्रोफेशनल प्रोग्राम। उसमें अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो वो फ़ी है 12,000 रुपये, हमें याद रखना होगा। तो ये है फीस स्ट्रक्चर फाउंडेशन के लिए 4,500 रुपये, एग्जीक्यूटिव के लिए कॉमर्स स्टूडेंट के लिए 9, CPT वालों के लिए 12,500, नॉन कॉमर्स के लिए 10, और CS फाउंडेशन जो पास करके स्टूडेंट आते हैं उनके लिए 8,500। अगर हम प्रोफेशनल की बात करेंगे तो प्रोफेशनल का फ़ी है 12,000 रुपये। तो इतना सारा फीस स्ट्रक्चर है, काफ़ी
रिजनेबल फीस स्ट्रक्चर लगता है अगर हम इसकी तरफ देखेंगे व्हेन वी कंपेयर विद अदर कोर्सेज। तो मुझे लगता है आज जो ये वीडियो मैंने बनाया कोर्स फी के बारे में आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ये वीडियो लाइक करना ना भूलिएगा, साथ में ये जो वीडियो आप देख रहे हो उसको आपके दोस्तों में आपके रिलेटिव्स में शेयर करना ना भूलिएगा, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो कमेंट बॉक्स दिख रहा है वो आपका वहाँ पे आपका वैल्यूएबल कमेंट लिखना ना भूलिएगा, ताकि आने वाले दिनों में हम आपके लिए काफ़ी बेहतरीन और अच्छे वीडियो बना सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।